हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अहमद और आप देख रहे हो टेक्निकल परवेज। आज हम बात करेंगे शाओमी के रेडमी 12 के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा है ये आप देख सकते हो, ये है हमारा फ़ोन शाओमी रेडमी 12। तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी खास है और ज़बरदस्त भी है और सबसे सस्ता फ़ोन है। 11,000 रुपये में आपको ये 5G फ़ोन मिल जाएगा, वो भी 8/128 GB में, जो कि जबरदस्त है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आपने जैसा कि आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लुक दिख रहा है और इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी प्रीमियम है, आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइनिंग। डिजाइन की तो बात ही मत पूछो। तो चलिए हम फाइनली अब आते हैं इसके क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ जो नॉर्मली हम बता देते हैं कि इसकी LCD और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या क्या है, कैसे कैसे है, जो मैनुअल जो एक अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले अगर कोई कस्टमर अगर हमारे किसी शॉप पे जाता है तो सबसे पहले वो कैमरा देखता है, वाओ डिज़ाइन देखता है और कैमरा वाओ क्या जबरदस्त है। तो डिज़ाइन देखने के बाद फिर डिसाइड करता है कि अब इसकी LCD, अब बात करते हैं इसकी LCD की साइज़ की। तो जो कि LCD की साइज़ है 6.79 इंच, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें आप कोई गेम खेलते हो या कोई वीडियो देखते हो तो आपको अच्छा फील होगा कि हाँ, स्क्रीन बड़ा होने की वजह से आपको कई सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर अब बात करते हैं इसकी रैम रोम की। तो इसकी रैम रोम है 4 और 8 GB में आता है रैम, और इसके 4/128 आता है, 8/128 आता है, 8/256 आता है, जो कि ये फ़ोन है 8/256 के साथ आता है, जो कि ज़बरदस्त है। अब फिर जो लास्ट आप जो देखते हैं वो है इसका बैटरी बैकअप। तो इसकी बैटरी बहुत ही बड़ी है, जो कि 5000 mAh के साथ आता है बैटरी। आप अगर पूरे दिन अगर आप वीडियो वॉचिंग करते हो या फिर कोई गेम हम खेलते हो तो आप एक दिन तो आराम से इसके साथ यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। अब हम आते हैं इसकी मेन LCD के बारे में, इस कौन सा LCD है, इसका फ्रेम कैसा है, बैक ग्लास कैसा है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फ्रंट ग्लास की। जो कि फ्रंट है वो ग्लास के साथ आता है और जो मिडिल फ्रेम है, ये फ्रेम जो आता है वो प्लास्टिक का आता है, क्योंकि काफ़ी ठीक है देखा जाए तो। और अगर हम इसकी बैक कवर की बात करें तो बैक कवर है, इसका ग्लास है, बैक ग्लास है, जो कि काफ़ी ठीक है, ज़बरदस्त है। और इसमें एक चीज़ और जो खास है वो है IP53 रेटिंग के साथ आता है, IP53, जो कि इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस एंड डस्ट, आप इसको कुछ मिनट तक आप इसको सेव कर सकते हैं पानी से। तो ये जो कि नॉर्मली आपको इस फोन में 10,000-11,000 के फोन में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसकी LCD की बात करते हैं। इसका LCD है IPS LCD 90 Hz के साथ आता है, जो ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। और जो इसकी नीड्स है, पीक नीड्स 550 nits के साथ आता है, जो पूरा ब्राइटनेस आप इसको करने के बाद ये देख सकते हो आप, हमें इसका फुल ब्राइटनेस करते हैं, जो काफ़ी ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं MediaTek की, सॉफ्टवेयर की, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसा है। तो इसमें है MediaTek Helio G88 12 nm के साथ आता है, जो ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है, ज़बरदस्त, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अब हम इसकी बात करते हैं कैमरा की, कैमरा जो इसकी कितने कितने मेगापिक्सल के कौन सा कैमरा है, कैसा काम करता है। तो इसमें टोटल है आपको 3 कैमरा आपको दिख सकते हैं, दिख रहे होंगे, और जो कि तीनों कैमरा में डिफरेंस है। एक है इसमें 50 मेगापिक्सल, जो कि ये वाला कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल के साथ आता है, जो कि वाइड एंगल में आप इसके साथ फोटो कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है 12 मेगापिक्सल के साथ आता है अल्ट्रा वाइड में, और ये है डेप्थ मतलब माइक्रो आप 5 मेगापिक्सल के साथ आता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं इसकी बटन, वॉल्यूम बटन और फिंगरप्रिंट और पावर बटन की। तो इसके साथ आता है फिंगरप्रिंट के साथ आता है, इसमें साइड में फिंगरप्रिंट आता है और इसके 2 वॉल्यूम हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। अब हम इसकी
सिम एग्जेक्टर की बात करते हैं, इसमें आपको हाइब्रिड सिम है, इसमें आप एक साथ में एमएमसी कार्ड दो सिम कार्ड लगा सकते हैं और काफ़ी आपको अच्छा, आपके पास अगर दो सिम कार्ड है तो एक साथ आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ आता है सी टाइप चार्जर, और सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है 3.5 mm का जैक मिलता है, जो कि आप हैंड फ्री या फिर ईयरफोन का आप यूज कर सकते हो, आप इसमें बर्ड्स के साथ भी यूज कर सकते हो, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब मैं चलता हूँ सेटिंग में और कुछ देखते हैं इसकी अंदर की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले की सेटिंग चेक करेंगे, डिस्प्ले में क्या क्या मिल रहा है आपको। तो आप देख सकते हो इसमें दो ऑप्शन है, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है हाई। तो फिलहाल हमने हाई पे कर रखा है, और जो स्टैंडर्ड है वो 60 हर्ट्ज के साथ आता है, जो कि उतना फास्ट नहीं चलता है, फिर भी ठीक ठाक चलता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 90 हर्ट्ज के साथ यूज कर रखे हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन है 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज, तो हमने 90 हर्ट्ज पे यूज कर रखा है। अब हम इसकी कुछ कैमरे की कैप्चर करके देख लेते हैं, इसकी कैमरा क्या कैसा है। देख सकते हो ये कैमरे की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, जबरदस्त है। अब हम थोड़ा सा फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पोर्टेबल भी चेक करेंगे। अगर हम इसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट है 8 मेगापिक्सल के साथ आता है, जो कि ठीक ठाक है, उतना भी कुछ बुरा नहीं है। अब देख सकते हो ये फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल, जो कि काफी ठीक है, जबरदस्त है। अब हम इसकी पोर्टेबल मोड में कैप्चर करते हैं, देखते हैं पोर्टेबल मोड में कैसा है। तो इसका अगर पोर्टेबल देखेंगे तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा पोर्टेबल, पोर्टेबल मोड में उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी ठीक है। देखा जाए तो 11,000 में आपको क्या चाहिए, 5G फोन और फिर से ये पोर्टेबल। अब हम कैप्चर करते हैं 50 मेगापिक्सल में, तो ये रहा 50 मेगापिक्सल का, आप देख सकते हो जो कि ठीक है, जबरदस्त है, जूमिंग भी अच्छी खासी है, देख सकते हो आपने जूम। टाइम लैप्स है जो काफी जबरदस्त है, और इसमें आप गेमिंग भी अच्छा खेल सकते हो, जो कि जबरदस्त है। तो अब हम आते हैं इसकी चार्जर, और जो कि चार्जर इसका 18 वाट के साथ आता है, आपको मैक्सिमम 1 आवर में 100% चार्ज हो जाएगा। और ऑल ओवर ये फ़ोन मैं तो बोलूँगा जबरदस्त है, आप ले सकते हो और इसको परचेज भी कर सकते हो। इसकी इंडियन मार्केट में जो प्राइस है 11,000 करीब आया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, आप ले सकते हो। इसमें कई सारे डिज़ाइन आते हैं, ब्लू में आता है स्काई ब्लू, और फिर से आप ये एक आप बोल सकते हो वाइट कलर, बट वाइट है नहीं, आप इसमें भी आ सकता है, ब्लैक में भी आता है, तीन कलर तो मैंने बता दी। फोन जबरदस्त है, आप इसे परचेज कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू। कुछ छोटा